हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर फाइन एंड हैप्पी। तो गाइस, मेरे को अभी इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं उल्टी सीधी घिसी पिटी इंग्लिश बोलूँगा जो बोलूँगा, जिससे कि आपको मजा आए उल्टी सीधी इंग्लिश सुनने में। अभी मैं स्कूल जाऊँगा, स्कूल के लिए रेडी होऊँगा। अभी मैं सो के उठा हूँ, नींद आ रही थी। अभी मैं स्कूल के लिए रेडी होऊंगा और फिर चलते हैं सीधा स्कूल। इंग्लिश सुनो उल्टी सीधी और मजे लो। गाइस, आई एम रेडी फॉर गोइंग टू स्कूल। अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, पीछे मेरा दोस्त आ रहा है, उसको भी साथ लेके चलते हैं। हम रुक के आ चुके हैं, अभी स्कूल जा रहे हैं। ये मेरे दोस्त, इनके साथ स्कूल जा रहे हैं। अगर कोई से भी गुस्सा आ रहा हो तो मैंने उठा के नीचे फेंक दूंगा, मैं नीचे धक्का दे दूंगा। ओके, मिलते हैं स्कूल के बाहर। ये देखिए मौसम है सुहाना, दिल है दीवाना, बच्चों को स्कूल से भाग के घर है जाना। यहाँ पर नहीं, रुक, कहाँ से आते हैं ये बच्चे? कैसे घूम रहे हैं स्कूल जाने के लिए, बेकरार रहे हैं बहुत देर से। अभी छुट्टी होने वाली है थोड़ी देर में, फिर हम घर चलेंगे, रास्ते में मिलूंगा मैं उनसे। तो गाइस, अभी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, मैं और मेरा दोस्त अब घर पे जा रहे हैं। घर पे चलते हैं, आपको रास्ते में दिखाते हैं ये सभी आता है। चलते हैं घर पर। गाइस, इसमें बैठ झोटा बुकी चलते हैं घर। देखिए गाइस, बहुत क्या हाल है गाइस, इसका बहुत बुरा हाल है। समझ रहे हो? ये अभी हम मार्केट से निकल रहे हैं। यहाँ पर हिरोडी का मेन मार्केट है, यहाँ पर बहुत दुकान लगी हुई है। यहाँ पर बच्चों के खिलौने, कपड़े, आपको पता ही होगा क्या है मार्केट क्या है। चलते हैं, मैं कहाँ भटकता फिर जा, कभी यहाँ कभी वहाँ। गाइस, मैं फिलहाल अभी हूँ गंगा ब्रिज पर। ये गंगा ब्रिज है, देखिए, रुड़की का सबसे फेमस ब्रिज है गंगा ब्रिज। यहाँ पर ये गंगा जा रही है, हरिद्वार से आती है और यहाँ को जाती है। केले ले लो गाइस, केले, वो देखिए बंदर, केले, पपीते, तो गाइस अब हम घर जा रहे हैं। हम इसमें इलेक्ट्रिक रिक्शा में बैठे हैं। ये देखिए मेरा दोस्त। ये देखिए गाइस, झाड़ू, अगर आपको सफाई करनी है तो झाड़ू ले लीजिए, सफाई में लग जाइए। ये टंगर चुग रहे हैं। कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पर ये बैठे हैं, इनके सर पर आते हैं कैमरे से। हेलो गाइस, तो गाइस अभी हम घर जा रहे हैं। ये रिक्शा का भैया घूमता है यहाँ पर। तो गाइस, ये मछली पकड़ते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मछली है नहीं, इसने सब निकाल ली थी और इसको दे दी। ये मेरे दोस्त हर्ष का स्कूल है, वो लेकिन यहाँ पर पढ़ने नहीं आता है। एक पता नहीं किससे बात करता है।
आवाज आ नहीं रही है फोन में। वो वीडियो ही बना लेंगे, तीन काम करवा लेंगे, तीन काम। तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। ये एक बच्चा डूब रहा है यहाँ पर, तैरना सीख रहा है इसमें। रेडी वीडियो तो बना ही ले हम। गाइस ये बच्चे हमारे से शर्मा के भाग गए हैं, हम रिक्शा में से उतर गए हैं, हम चलते हैं घर पर। ये वीडियो बनाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी इनकी वीडियो बना ली। मैं भाग गए दोनों, पता नहीं कहाँ के बच्चे हैं, यहाँ पर बच्चे पकड़ने आ जाते हैं। एक खोखा देखे गाइस, मंदिर को खोखा बोल। इतनी सारी गाय हैं यहाँ पर, ये हमारे गांव में ऐसे चूगने के लिए आती हैं, ये घास चरती हैं यहाँ पर आकर। देखिए गाइस, ये मारती नहीं है, ये कुछ नहीं कहती है, लेकिन डर लगता है। एक बार ये इनके ऊपर बैठ गया था, तो ये इसको लेकर चल गई थी। तो गाइस, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसको इसके ऊपर बैठाओ, और ये अगर चलेगी तो वो पढ़ने लगेगा, अगर ये नहीं चलेगी तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। यहाँ पर ये हमारे गांव में ऐसी रीति होती है, कुछ ऐसा ही नियम होता है हमारे गांव पर। यहाँ पर अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो इनके ऊपर बैठाते हैं, और ये उसको लेके चलती है तो बच्चा पढ़ने लग जाता है। अगर ये लेके नहीं चलती है उसको, तो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पाता है। हमारे गांव में ऐसे ही होता है। जब मैं इसके ऊपर बैठा था तो ये मुझको लेके चल दी थी, तो मैं पढ़ने लगा हूँ। अगर ये रुक जाती तो मैं नहीं पढ़ता। एक मेरा दोस्त है, वो उसको इसके ऊपर बैठाया था, लेकिन ये नहीं चली थी, तो वो पढ़ने में अभी इतना अच्छा नहीं है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो गाइस, अभी हम घर पर आ चुके हैं, घर मतलब आने वाला है। अब वो लोग को ख़त्म करते हैं, आपको तीन काम करने हैं, आप कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं लगी हो तो अगली बार कर देना। अब वो लोग को ख़त्म करते हैं।